अगस्त 2019 को सीएम योगी को एक पत्र लिखकर एलडीए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और कार्रवाई की सिफारिश की थी। उस पत्र में क्या था, चूंकि वो गोपनीय पत्र था, क्या लिखा गया था, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को पत्र लिखकर एलडीए में हुए घोटाले के बारे में जानकारी दी है। केशव मौर्य ने ये पत्र 26 अगस्त को लिखा था। पत्र के साथ उन्होंने घोटाले की लिस्ट भी भेजी थी। केशव मौर्य ने इस पत्र के जरिए सीएम को बताया था कि एलडीए ने निजी बिल्डर को फायदा पहुँचाया है। केशव मौर्य ने सीएम को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। पत्र के साथ घोटाले की लिस्ट भी भेजी गई थी। एलडीए में हुए घोटाले की पूरी लिस्ट भेजी थी और सीएम से कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। कमर्शियल प्लॉट के आवंटन में फर्जीवाड़े का भी जिक्र किया था। केशव मौर्य ने पुराने मामले की गायब हुई फाइलों का भी जिक्र इस पत्र में किया था। इसे रोज 50 चिट्ठी जाती है, ये कोई विषय नहीं। बोल दिए थोड़ा सा, नहीं नहीं, चिट्ठी तो रोज 50 जाती है, कोई आएगा कोई शिकायत होगी तो भेज ही देते हैं, उसमें कौन समस्या है। अच्छा। ये रूटीन बात है, ठीक है। वहीं इस मसले पर एलडीए का पक्ष है कि इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि साने अवध के संबंध में जांच रिपोर्ट शासन को गई थी और इसका मेरी जानकारी के मुताबिक शासन स्तर पर निस्तारण भी हो चुका है। सर, क्या निकला जांच रिपोर्ट में? अब ये कार्रवाइयाँ जो की गई थी नीलामी की, वो सही पाई गई नहीं। देखिए, हम लोगों के टाइम में जो भी समायोजन किए गए हैं वो समायोजन सब नियमानुसार हैं। आप किसी भी प्रकरण की, किसी भी एक दो प्रकरण को आप बताइए, हम आपको उसका उत्तर देने की स्थिति में हैं। हाँ, पूर्व में जो समायोजन किए गए हैं, पूर्व के समयों में जो किए गए हैं, जो हम लोगों ने नहीं किए हैं, उसके बारे में जैसे जैसे शिकायतें आती हैं उसका निस्तारण भी किया गया है। और आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 से 2 सालों में बहुत सारे समायोजन निरस्त भी कराए गए हैं। निरस्त इसीलिए कराए गए क्योंकि वो समायोजन नियमों के अनुकूल नहीं थे। घोटालों का अड्डा बना लखनऊ विकास प्राधिकरण को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीर हुए हैं। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एलडीए के घोटालों की दास्तान बयान की है और तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर एलडीए वीसी से लेकर तमाम अधिकारियों को इस बात की जानकारी है। बावजूद इसके भी कोई कार्रवाई न होना इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अधिकारी और अभियंता इन सब मामलों में इन्वॉल्व हैं और इसी के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पत्र में उप मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में भारी अनियमितता की शिकायत की है। इस पत्र में 9 दिन पुरानी कंपनी को प्लॉट आवंटन करना, विभाग से गायब हुई फाइलों और प्लॉटों के समायोजन में हुए भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया गया। पत्र में केशव प्रसाद ने रोहतास बिल्डर के फर्जीवाड़े पर एलडीए की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। पत्र के मुताबिक बिल्डर के ऊपर एफआईआर दर्ज है, फिर भी अधिकारी बिल्डर पर मेहरबान है। पत्र में कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट न करने पर भी सवाल उठाए गए। सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। इधर बिजली कर्मचारियों के पैसे को डीएच